Okay, hello MSC, welcome back to my channel. तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं ओके तो देखिए नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट के अंदर हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर सिक्स और आज के सिक्स लेक्चर का टॉपिक बनने वाला है एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड एंट्रोपी फ्लो इन अ ओपन सिस्टम मतलब क्या बना आपने देखो सिर्फ एक काम करना है एक ओपन सिस्टम के लिए एंट्रोपी प्रोडक्शन की इक्वेशन निकालनी है और एंट्रोपी फ्लो की इक्वेशन निकालनी है और ये इक्वेशन कैसे निकलेंगी बाई डेरिवेशन तो देखिए अगर आपने डेरिवेशन देख

ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है ये है हमारा सिस्टम और इस सिस्टम में हमने दो फेज भी लिए सपोज कीजिए ये आपका फेज फर्स्ट है और ये आपका फेज सेकंड है इतनी चीज क्लियर है और आगे क्या बोल रहा, रहा है ये बोल रहा है बोथ द फेजेस आर द ओपन सिस्टम और ये दोनों फेजेस क्या है एक टाइप के ओपन सिस्टम आप बताइए ओपन सिस्टम क्या होता है तो आपको पता है ओपन सिस्टम क्या होता है ऐसा सिस्टम होता है जहां आप एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर करा सकते हैं तो देख लीजिए हमने क्या किया लाइन फेज मैंने आपको शो की जो रिप्रेजेंट कर रही है, है।, है।, तो है तो ये बोल रहा है सो वी नो दैट द ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ओपन सिस्टम है ये जो दो, दो फेजेस है वो आपस में क्या है एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर कर सकते हैं इतनी चीज क्लियर आईट नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आपको

उाने में इक्वेशन किसके इक्वल होती है तो देखो हमने अभी क्या बात की थी हमने बात की थी कि जो हमारा सिस्टम है ये वो कैसा है एक टाइप का ओपन सिस्टम है जिसके अंदर दो फेजेस हैं और जिनके बीच में क्या हो रहा है एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर हो रहा है तो हम इस सिस्टम की अभी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इस ओपन सिस्टम की अभी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं और इस ओपन सिस्टम के लिए हमने क्या है थर्मोडानेमिक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है तो वही बोर्ड है एक ओपन सिस्टम के लिए थर्मोडानेमिक इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल होती है तो यहाँ पे थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन दी हुई है ये बोल बोर्ड है डी यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस समेशन गामा न्यू गामा डी एंड गामा ये इसे इक्वेशन क्या बोल रहा है फर्स्ट बोल रहा है और ये जो इक्वेशन है ये ही आपकी क्या है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर एन ओपन सिस्टम ओके अब देखो इसी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से आप क्या निकालेंगे एंट्रोपी की बात करेंगे तो देखो आपका काम क्या है एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड एंट्रोपी फ्लो की वैल्यू निकालना यानी कि आपने अपना फोकस कहाँ रखना है एंट्रोपी पे तो अब देखिए इस थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पे क्या एंट्रोपी की वैल्यू आपको कहीं दिख रही है बिल्कुल दिख रही है आप देख सकते हैं ये जो आपका टीडीएस वेरिएबल है इसमें आपके बाद जो डीएस है ये है आपका चेंज इन एंट्रोपी और आपने इसी चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप इसको पहले क्या कर लेंगे साइड कर लेंगे तो हमने क्या किया इसको साइड नहीं किया इसके पीछे के जो वेरिएबल हैं जो है आपके माइनस पीडीवी प्लस समेशन गामा न्यू गामा डीएन गामा इसको उठा के कहां ले लिया इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में तो हुआ क्या हमने टीडीएस एज इट इज लिखा टीडीएस के इक्वल में क्या है डीयू है इसको भी एज इट इज लिखा बट इसके साथ हमने कौन सी वैल्यूज ऐड कर दी ये वैल्यू

कोई थोड़ा सा रिड्यूस करना है थोड़ा और मॉडिफाई करना है क्यों करना है क्योंकि आपको यहाँ से टी हटाना है और डीएस की वैल्यू आपको ऑप्टेन करनी है तो कैसे करेंगे तो देखो फर्स्टली तो आपने क्या किया मैं आपको समझा देती हूँ फर्स्टली आपने क्या करना है यहाँ पे मैं आपको दो वैल्यूज दूंगी एक वैल्यू दूंगी मैं आपको डी यू की और एक वैल्यू दूंगी मैं आपको डी न्यू गामा की यानी कि ये दोनों की वैल्यूज मैं आपको अभी दूंगी तो यहाँ पर देखो एक इसकी वैल्यू दूंगी एक मैं आपको इसकी वैल्यू दूंगी और ये दोनों वैल्यूज हमारी ऑलरेडी निकाली हुई है तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि वी नो दैट हमको पता है कि जो आपका डी यू है ये किसके इक्वल है डी क्यू माइनस पीडीवी के इक्वल है और डी न्यू गामा आपका किसके इक्वल है न्यू गामा इंटू डी साई के इक्वल है तो हमारे पास क्या है इक्वेशन एक्स एंड इक्वेशन वाई ऑप्टेन हो गई अब हमने जिस इक्वेशन एक्स और इक्वेशन वाई को ऊपर पुट कर देना है और पुट जब आप करेंगे उसके साथ साथ आप यहाँ से टी की वैल्यू भी हटाएंगे कैसे हटाएंगे मैं आपको बताती हूँ देखिये आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टी है ये कैसा है मल्टीप्लाई में है अगर मैं इसे equal sign के दूसरी साइड लेके चलूं तो ये डिवीजन में चले जाएगा तो सपोज मैंने इस टी को किसके डिवीजन में भेज दिया डी यू के डिवीजन में भेज दिया अब देखो अगर ये डी यू के डिवीजन में जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी ये बनेगा डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई टी प्लस क्या हो जाएगा पीडीवी तो देखो अभी मैं इतनी वैल्यूज ही लिख रही हूँ इतना वैल्यू ही लिख रही हूँ पीछे का नहीं लिखा है इतना लिखा ठीक है अब देखो डी यू की वैल्यू हमको पता है du dq -pdv. तो हमारा क्या हो जाएगा डी एस इजिकल टू क्या हो जाएगा डी क्यू माइनस हो जाएगा पीडीवी प्लस क्या हो जाएगा अगेन पीडीवी और ये दोनों वैल्यू यानी कि डी क्यू माइनस पीडीवी जो कि इक्वल है डी यू ये किससे डिवाइड होगा टी से अब आप देख सकते हैं माइनस पीडीवी और प्लस डीबी प्लस पीडीवी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी कि डी एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा

बदले आपने क्या लिख दिया यहाँ न्यू गामा इन टू डी साई तो आपने लिखा न्यू गामा इन टू डी साई तो बस आपकी ये इक्वेशन ऑप्टेन हो गई और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर को चेंज इन एंट्रोपिक यानी कि डी एस की वैल्यू भी मिल गई और ये चेंज इन एंट्रोपिक क्या है एक सिस्टम के अंदर एक ओपन सिस्टम के अंदर जो चेंज इन एंट्रोपी है आपने उसकी वैल्यू निकाली है और इससे हमने इक्वेशन थर्ड बोला है इतना कर लेंगे अब आप आगे बढ़िए अब देखो अब हमने क्या किया अब हमने इस इक्वेशन थर्ड को थोड़ा और रिड्यूस किया कैसे किया अब हमने एक नया टर्म लेके आए जिसे आप बोलते हैं ए और ए

कितनी चेंज इन एंट्रॉपी है उसकी वैल्यू दिखाई है ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है सुनेगा ये बोल रहा है सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ए ओपन सिस्टम क्योंकि हम एक ओपन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक ओपन सिस्टम में जो डी क्यू की वैल्यू इसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं डी फाइव से रिप्लेस कर सकते हैं क्यों रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ डी फाइव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी फ्लो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी फ्लो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, रहा है. क्योंकि कि किसकी वजह से एनर्जी फ्लो यहाँ पे हो रहा है हीट ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर क्योंकि आपको पता है आपके ओपन सिस्टम में हीट का भी ट्रांसफर होता है और मैटर का भी एक्सचेंज होता है दोनों का ट्रांसफर

तो अब हम लोग एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज देखो अभी हमने फेस के बीच में एंट्रोपी चेंज की वैल्यू दिखा दी जिसे हम डीएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एंट्रोपी चेंज है उसे हम लोग डीएसई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि सराउंडिंग में कितनी एंट्रोपी चेंज हो रहा है ठीक तो हाँ है तो अब यहाँ पे वही चीज लिखा है कंसिडर एंट्रोपी चेंज विद द सराउंडिंग सराउंडिंग के साथ कितनी एंट्रोपी चेंज हुई है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीईएस एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग यानी कि बाहर जाने में कितना एंट्रोपी चेंज आया तो ये बोरा एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग किसके इक्वल है डिवाइडेड डिवाइडेड टी टी माइनस गामा 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 न्यू ये कहाँ से आई ये इक्वेशन ये देखो ये इक्वेशन जो आपकी आई है वो आपकी आई है इस इक्वेशन से ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से आपकी ये इक्वेशन आई हुई है कैसे आई है देखो आपने क्या किया टेम्परेचर वगैरह को पुट किया है ठीक है ये टेम्परेचर वगैरह यहाँ से हटा दिया है तो देखो हमने जब टेम्परेचर वगैरह हटाया तो हमको इक्वेशन क्या मिली थी डी क्यू डी क्यू को हमने रिप्लेस किया डी फाइव से डिवाइडेड बाई टी तो देखो dq क्यू डिवाइडेड बाई टी और यहाँ जो वन डिवाइडेड बाई टी है इसको हम कहा ले गए यहां हमने पहुंचा दिया इसके नीचे पहुंचा दिया इस टेम्परेचर को आगे से पीछे पहुंचा दिया बात बराबर ही है तो हमने क्या लिया समेशन गामा न्यू गामा के नीचे हमने क्या लिख दिया टी लिख दिया और यहाँ पे जो हमारा डीई गामा है देखो डी एन गामा है इस डी एन गामा को हमने क्या किया डीईन गामा डीई एन गामा का मतलब हम लोग एक्सटर्नल की बात करें सराउंडिंग की बात करें तो हम लोग ई e को एड कर दे रहे हैं ठीक है तो अब हमने यहाँ पर को क्या कर दिया डीई सॉरी डी एन गामा के बदले डीई गामा कर दिया

ना आप क्या करेंगे डीएस यानी कि एंट्रोपी चेंज इन ना ओपन सिस्टम इज इक्वल टू डी डी5 डिवाइडेड बाय टी माइनस समिशन गामा न्यू गामा डिवाइडेड बाय टी और डी एन गामा आपने एज इट इज लिखा बट इसके बाद आपने यहाँ पर को क्या लिख दिया ये वैल्यू ऐड कर दी यानी कि ए डिवाइडेड बाय टी इनटू डी साइ की वैल्यू uh, आपने यहां पर को ऐड कर दी यानी कि ये वैल्यू को उठा के मैंने यहां पर को पुट कर दी यानी कि ए डिवाइडेड बाय टी इनटू डी साइ की वैल्यू आपने यहां पर को ऐड कर दी जैसे आपने क्या टर्म दिया इक्वेशन नंबर सी 2 डश इतनी चीज क्लियर है तो देखो अब हमारे पास दोनों

करे थे गामा से रिप्रेजेंट करे थे तो यहां देखा हमने लिखा था किसी भी फेज में कितने नंबर के कंपोनेंट है गामा विच इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ये जो वैल्यू है ये हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने नंबर के कंपोनेंट गामा एंटर कर रहे हैं फेज फेज फर्स्ट से second, तो हम इसे सिर्फ एक ही फेज के लिए लिखेंगे विच इज फेज फर्स्ट ओके उसके बाद आपका क्या है ए डिवाइडेड बाई टी इंटू डी साई इसकी वैल्यू आपने क्या है दोनों फेजेस के लिए लिखी एक बार फर्स्ट फेज के लिए लिखी एक बार सेकंड फेज के लिए लिखी तो इक्वेशन आपकी कुछ स्टेप से ऑप्टेन हो गई ठीक है तो देखो अब इतना हुआ अब देख

एक वैल्यू दूंगी इसकी यानी कि एक वैल्यू दूंगी मैं आपको डी फर्ट फाइव डिवाइडेड बाई टी वन की एक दूंगी डी सेकंड फाइव डिवाइडेड बाई टी सेकेंड की इन दोनों की वैल्यू जब आप पुट करेंगे आपको एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड एंट्रोपी फ्लो की वैल्यू मिल जाएगी कैसे मिलेगी देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है एनर्जी फ्लो इन सिस्टम अगर आप किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो एनर्जी फ्लो किसके इक्वल होता है तो यहां पर लिखा हुआ है देखो डी फर्स्ट फाइव डिवाइडेड बाई टी वन जो आपका डी टी वन भी लिख सकते हो टी वन भी लिख सकते हो तो यहाँ पर लिखा है डी फर्स्ट फाइव डिवाइडेड बाई टी फर्स्ट किसके इक्वल होता है ये बोल रहा है डी ई फर्स्ट 5 डिवाइडेड बाय टी फर्स्ट

वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो जैसे आप पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी ds इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमने क्या वैल्यू रखी ये दोनों वैल्यू रखी तो हमको पता है ये दोनों वैल्यू थी ऊपर बट हमने इनकी प्लेस में क्या ये रखा हमने क्या बोला दिए इसे डीई फर्स्ट फाइव डिवाइडेड बाई टी फर्स्ट प्लस क्या हुआ डीई सेकेंड फाइव डिवाइडेड बाई टी सेकेंड इतना हुआ प्लस करके अब आपका क्या है देखो हमने क्या किया ये दोनों वैल्यू ऊपर नीचे कॉमन है डी आई फर्स्ट फाइव और यहाँ भी है डी आई फर्स्ट फाइव तो हमने इसे डी आई फर्स्ट फाइव को क्या किया कॉमन किया और ब्रैकेट के अंदर क्या कर लिया वन डिवाइडेड बाई टी फर्स्ट प्लस माइनस करके क्या आया इनके बीच में वन डिवाइडेड बाई टी सेकंड इतनी चीज क्लियर तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर को वन डिवाइडेड बाय टी फर्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टी सेकंड वैल्यू तो ये आपकी आ गई अब इसके बाद की जो वैल्यू है वो आपकी एज इट इज आप देख सकते हैं समेशन आपने एज इट इज लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है न्यू गामा फर्स्ट डिवाइडेड बाय टी वन माइनस न्यू गामा सेकेंड डिवाइडेड बाय टी टू तो आपने एज इट इज लिखा है और यहाँ पे आपका देखो ये सारी की सारी वैल्यूज अब आपकी एज इट इज आ गई तो देखो इक्वेशन अब आपको यहाँ पर डी के लिए ऑप्टेन हुई है इसी इक्वेशन से हम लोग एंट्रोपी फ्लू एंड एंट्रोपी प्रोडक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं देखिए ये जो आपको स्काई ब्लू में स्टार मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है इतना पोर्शन वेट कीजिए एक मिनट ये जो इतना पोर्शन मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया है इस स्टार से स्काई ब्लू वाले स्टार से ये आपको किसके बारे में बताता है एंट्रोपी फ्लो के बारे में ये वैल्यू आपको किसके बारे में बताती है एंट्रोपी फ्लो के बारे में ओके okay? और बची हुई जो पीछे की पूरी वेरिएबल है जिसे मैंने आपके ब्लू कलर के स्टार से रिप्रेजेंट किया है एक दो तीन जिसे ए बी सी मैं कह रही हूं ये पूरी जो वैल्यू है ये आपको किसके बारे में बताती है एंट्रोपी प्रोडक्शन के बारे में तो देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि स्काई ब्लू कलर से जो आपका स्टार बना है यानी कि ये जो पोर्शन है ये आपको क्या बताता है एंट्रोपी फ्लो के बारे में बताता है ठीक है जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी ई एस ए यानी कि ये वैल्यू को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो डी ई एस ए और ये डी एस आपको क्या बताता है एंट्रोपी फ्लो के बारे में बताता है और ये एंट्रोपी फ्लो हो किसकी वजह से रहा है वो भी यहां पर लिखा है किसकी वजह से हो रहा है ये फ्लो जो हो रहा है वो बिकॉज किसकी वजह से अराइज हो रहा है हीट एक्सचेंजिंग बिटवीन द क्लोज सिस्टम एंड द एक्सटर्नल सराउंडिंग ये किसकी वजह से हो रहा है आपके पास जो क्लोज सिस्टम था आपको पता है क्लोज सिस्टम सिर्फ हीट का ट्रांसफर कर सकता है मैटर का तो नहीं कर सकता तो आपके जो क्लोज सिस्टम ने हीट का ट्रांसफर किया है उस हीट के ट्रांसफर की वजह से आपको ये एंट्रोपी फ्लो की वैल्यू देखने को मिल रही है जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं डीईएस जिसकी वैल्यू आपकी ये पूरी वैल्यू है ये जो आपका स्काई ब्लू कलर का स्टार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एंट्रोपी फ्लो ओके और इसके बाद की जो ये पूरी वैल्यू है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है पर, वाला स्टार ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंट्रोपी प्रोडक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डीआईएस इज डीआईएस से आप क्या रिप्रेजेंट करते हो एंट्रोपी प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हो इतनी चीज क्लियर है अब देखो ना इस एंट्रोपी प्रोडक्शन को आप मैं अगेन तीन पार्ट में तोड़ी हूँ कि ये एंट्रोपी प्रोडक्शन किस-किस की वजह से हुआ है तो देखो ये जो पहला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है जिसे मैं ए बोल रही हूं ये आपको एंट्रोपी प्रोडक्शन तो दिखा रहा है बट यहां पे जो आपको चेंज इन एंट्रोपी देखने को मिल रहा है वो किसकी वजह से देखने को मिल रहा है हीट की ट्रांसफर या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से देखने को मिल रहा है किसके बीच में देखो आपको यहाँ दो फेजेस देखने को मिल रहे हैं एक आपका यहाँ पर को फेज फर्स्ट है एक फेज सेकंड है तो हम बोलेंगे यहाँ जो आपको एंट्रोपी प्रोडक्शन मिल रहा है एंट्रोपी में जो चेंज मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है हीट के ट्रांसफर की वजह से फाइव आपको क्या दिखाता है हीट का ट्रांसफर किसके बीच में फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड के बीच में इसकी वजह से आपको यहाँ पे एंट्रोपी प्रोडक्शन मिल रही है तो देखो यहाँ पे मैंने ए करके डाला है यहाँ पे लिखा है जो आपका एंट्रोपी प्रोडक्शन हुआ है वो किसकी वजह से What?

ट्रांसफर की वजह है क्योंकि आपको पता है दो फेज किस में है आपके ओपन सिस्टम और ओपन सिस्टम में आपका मैटर और हीट दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं तो यहाँ पे जो आपको चेंज इन एंट्रोपी देखने को मिल रहा है वो बिकॉज़ ऑफ मैटर ट्रांसफर है बिटवीन द टू फेसेस तो यहाँ पे लिखा है बी वाला पोर्शन आपको क्या दिखा रहा है एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ अ मैटर बिटवीन द टू फेसेस ओके और जो आपका ये थर्ड वाला पोर्शन है जिसे मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है ये सी भी आपको एंट्रोपी चेंज ही दिखा रहा है बट किसकी वजह से यहां एंट्रोपी चेंज हुआ है दो फेजेस के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुई है उनकी वजह से तो यहाँ पर लिखा है एंट्रोपी चेंज ड्यू टू केमिकल चेंजेस ठीक है तो केमिकल चेंजेस के बीच की वजह से जो एंट्रोपी चेंज यहां पर हुआ है उसको रिप्रेजेंट किया बाय दिस इक्वेशन जिसे आप सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सबका सब पूरा अगर आप इसे कंबाइन करेंगे तो ये आपका क्या है एंट्रोपी प्रोडक्शन है तो बस आपने यही एंट्रोपी फ्लो एंड प्रोडक्शन को आपने यहाँ पे दिखाना था तो देखो आसान था ज्यादा कुछ नहीं था ठीक है तो अब हम लोग समझने में थोड़ा टाइम लगा है बट अगर आप वापस से खुद से रिविजन करेंगे तो आपको बहुत

डीटी और ये आपका क्या है एंट्रोपी प्रोडक्शन लेकिन उसका क्या है रेट ये होता है डीआईएस आपका एंट्रोपी प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय डीटी इसका मतलब हम लोग एंट्रोपी प्रोडक्शन का क्या निकाल रहे हैं रेट निकाल रहे हैं तो हम वैल्यू क्या रखेंगे हमने क्या है? ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है ये पूरी वैल्यू एज इट इज लिखी है बट डिवाइडेड बाय क्या कर दिया Temperature, कि DT से इसको equation को क्या किया है टेम्परेचर तो देख देखने को क्या मैं रिपीट नहीं कर रही वही चीज यही चीज आपने नीचे लिखी है बट आपने यहाँ पर को किससे डिविजन कर दिया है डी से डिविजन कर दिया इतनी चीज आई तो ये आपकी क्या होती है रेट इक्वेशन होती है जो की आपकी ग्रेटर देन क्या होती है जीरो यानी कि यहाँ पे जो आपकी रेट ऑफ एंट्रोपी प्रोडक्शन होता है इसका जो रेट

मल्टीप्लाई करेंगे और जिसे रिप्रेजेंट किया गया है जे जे से रिप्रेजेंट किया गया है तो अगर हम लोग एक्स जे इन जे जे करेंगे तो ये हमको क्या दिखाएगा कि हमारे कितने जनरलाइज फोर्स है 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 और वहां पे कितना 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 क्या हो 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 रहा 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 फ्लक्स जनरेट या फिर फ्लो तो ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी इसको जो हमे, जो हमें हमारी वैल्यू मिलेगी ये हमारी किसके इक्वल होगी रेट ऑफ एंट्रोपी प्रोडक्शन के इक्वल होगी तो हम सिंपली क्या करेंगे आपका सिग्मा यानी कि रेट ऑफ एंट्रोपी प्रोडक्शन विच इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी इसको हम किसके इक्वल रखेंगे एक्स जे

मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय